मैं कैसे घूमता हूँ मालूम है आपको? मैं केवल ब्लॉग देख के ही घूमता हूँ, मुझे ताराचंडी घूमना है मैं जाता नहीं हूँ। मैं पंकज ब्लॉग देख लिया, मैंने ताराचंडी घूम लिया। हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त पंकज आपके साथ है। दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं सासाराम और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पौधा है। आज हम लोग आए हुए हैं एक गार्डन में जो कि सासाराम में ही है और आप यहां से मेरे पीछे देख सकते हैं शेर शाह सूरी टॉम जो कि यहां से काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है। और दोस्तों मेरे साथ है बबलू एडेनियम जिनका यूट्यूब चैनल है बबलू एडेनियम। और दोस्तों ये सब आप प्लांट देख रहे हैं, ये सब प्लांट सर ने ही लगाया है। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी होने वाला है रिगार्डिंग एडेनियम फ्लावर्स के बारे में, और सर बताएंगे एडेनियम फ्लावर्स के भी बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंकज ब्लॉग में और मैं हूँ बबलू एडेनियम। और हम इनसे बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे और आज ये मेरा सपना पूरा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि भाई बता नहीं सकते, एक यूट्यूबर या दूसरे यूट्यूबर से मिलता है तो कितना खुशी होती है और मेरा ये सपना साकार हुआ। इसी तरह मैं सासाराम या अपने शहर के सभी यूट्यूबर से मिलूंगा। और मेरे पीछे देख रहे हैं शेरशाह सूरी का मकबरा और मेरा ये लक है कि ये शेरशाह सूरी का मकबरा मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है। और मैं एडेनियम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मेरा चैनल का नाम है बबलू एडेनियम, आप देख उस पर भी सर्च कर सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। तो शुरू शुरू में मेरे को लोग पागल समझते थे क्योंकि वो मैं पेड़ पौधा ये लकड़ी लुकड़ी जो भी मैं करता था तो किसी को अच्छा होता था या नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में पूरा इंडिया में उससे एडेनियम खरीदता है। हालांकि मैं सप्लाई बहुत कम देता हूँ, मेरे पास उतना प्रोडक्ट है नहीं और मैं अपनी खुशी से थोड़ा मोटा गार्डन बनाता हूँ, छोटा मोटा मतलब कम ही मैं प्रोडक्शन करता हूं और ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी को रिप्लाई मिलता है किसी को नहीं मिलता है। खैर जो भी हो तो बात की बात है, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे सामने मेरे गार्डन में मेरे फ्रेंड पंकज ब्लॉग और मैं मिलजुल के एक वीडियो बनाया हूं और जो भी है आपके सामने है। और मैं गार्डन में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं अपने बहुत ही पैसा खर्च किया इस प्लांट में जिससे लोग नाखुश रहते थे, लेकिन आज की डेट में मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे ये गार्डन से मुझे कुछ अर्निंग होती है और मैं सभी लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो बस इतना ही कहना था कि आप देख सकते हैं मेरे घर से कितना लोकेशन अच्छा है और बहुत ही मतलब शानदार दृश्य है। और मैं सुबह उठते सोते मुझे गार्डन का ही होता है और ये हम लोग के लिए अच्छी है क्योंकि अभी आजकल के देख में देख सकते हैं कि कोरोना काल में क्या क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को ऑक्सीजन भाई जो भी डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन ये प्लांट लगाने से आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा और आपको तरोताज़ा महसूस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फीलिंग महसूस होगा। तो हम तो बस गार्डन में ही हम संतुष्ट रहते हैं और आप भी लगाइए और आप भी यूट्यूब चैनल देखिए। और मैं तो जैसे हमको कोई कोई लोगों का सपना होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा मैं बोलता हूँ ज़्यादा लेकिन न्यूजफुल मतलब इंपॉर्टेंट बात ही बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमको दिल्ली घूमना है, महाराष्ट्र घूमना है, सूरत बंगाल या थाईलैंड वगैरह जो विदेश में, लेकिन बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होती है कि जिसके चलते वो घूमे। मुझे भी वो शौक़ है, मैं आगरा घूमूं, मैं महाराष्ट्र घूमूं, मैं बम्बे घूमूं। मैं कैसे घूमता हूं मालूम है आपको? मैं केवल ब्लॉग देख के ही घूमता हूं, मुझे ताराचंडी घूमना है मैं जाता नहीं हूं। मैं पंकज ब्लॉग देख लिया, मैंने ताराचंडी घूम लिया। मैं मुझे हनुमान धारा जाना है, मुझे बुढ़न पहाड़ जाना है, मुझे शेरशाह सूरी जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑटो खड़ नहीं है, बाइक नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ, ब्लॉगिंग देखता हूँ और उससे घूम लेता हूँ। मैं अपने घर में बोलता हूँ आज मैं कलकत्ता घूम के आया हूँ, आज मैं दिल्ली घूम के आया हूँ, लेकिन कैसे घूम के आया? केवल यूट्यूब से ही घूमा। तो ये चीज़ रियल बात है, आपके पास पैसा हो या ना हो, पास मोबाइल होना चाहिए और नेट होना चाहिए जिससे आप पूरा इंडिया क्या पूरा दुनिया घूम सकते हैं। तो आइए हम अपने बारे में कुछ कुछ प्लांट के बारे में बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ और मुझे ये प्लांट क्यों पसंद है, ठीक है। तो धीरे देख सकते हैं कि ये प्लांट है और ये है अरबिकम, ठीक है। ये मैं 5 साल से रखा हूँ और मैं ख़रीदा हूँ मतलब लगभग 1600-1700 रुपये में, लेकिन आज के डेट में मैं इसको बेचूंगा। मेरे खरीदे हुए कम से कम 4-5 साल हो गए, लेकिन आज के डेट में मैं बेचूंगा तो मुझे 10,000 से कम नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं क्योंकि मैं अपने शौक से लगाया हूँ। और ये बहुत ही अच्छे जाति है, इसका नाम है MK। और दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कि किसको जिसको नॉलेज नहीं होता है तो वो शुरू शुरू में सिंगल पेटल ही लगाया, देख सिंगल पेटल में कितना कलरफुल आ रहा है, ठीक है। मैं एक एक प्लांट छाट छाट कर देख देख के लगाया हूँ, जैसे ये कलर व्हाइट और रेड देख सकते हैं, उसी तरह आप प्योर रेड भी देख सकते हैं। आइए मैं एक रेड का कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा प्लांट है और कितना बिग फ्लावर है, रानी कलर है। और
ये बहुत ही अच्छे कलर है, प्लस इसके कंपेयर में आप दूसरा कलर भी देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। दोनों को एक साथ अगर मैच कीजिएगा तो मैच नहीं होगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर कलर अलग अलग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें खासियत क्या है, इसमें बिना पानी का चलेगा। आपको अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं, कहीं 10 दिन के लिए जा रहे हैं, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, आप अगर 15-20 दिन पानी भी नहीं दीजिएगा, ये प्लांट मरने वाला नहीं है। बस यही चीज़ हमको भाग गया कि हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाएँ, मैं 10 दिन के लिए घर ना लौटूं तो मेरे सारे प्लांट मर जाएंगे। लेकिन ये ऐसा एक प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, जो कभी नहीं मरता, ठीक है। आपका कम से कम एक मंथ भी नहीं दीजिएगा तो आपका नहीं मरेगा। तो बस ये मतलब यही चलते मैं पसंद आ गया। और दूसरा नंबर कि इसमें बहुत से रोजी वैरायटी और सिंगल पेटल, ट्रिपल पेटल, फोल पेटल सभी होते हैं, जो बारीकी बारीकी से स्टेप बाई स्टेप मैं लगाते जा रहा हूँ, और बहुत ही मतलब मुझे बहुत इंप्रेस करता है। बस और क्या ज़्यादा बोलूँ, मतलब कि मुझे सारे कलर एक से करके धीरे धीरे मैंने इकट्ठा किया। ये एक बार में नहीं हुआ, ये पूरा 10 साल से मैं बटोर रहा हूँ और अभी भी बटोर रहा हूँ। आज भी मैंने एडेनियम खरीदा है, 10 प्लांट खरीद कर कहीं से लाया है, वो साथ में इनके साथ में मैं गया था तो देखे कि भाई एडेनियम मतलब खरीद रहा हूँ, तो आज भी मैं हमेशा खरीदता हूँ। तो बस इतना ही था मेरे अंदर जो मैं आपको शेयर किया। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एडेनियम प्लांट्स के बारे में। और दोस्तों, सर ने इन सब प्लांट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया होगा कि इस सब का प्लांट्स का खासियत क्या क्या है, और काफ़ी खूबसूरत यह सब प्लांट देखने में लगता है। और दोस्तों, मैं सर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको फूल भी ख़रीदना है ये सब एडेनियम प्लांट्स, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप सर से कॉन्टेक्ट कर आप प्लांट्स भी खरीद सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।